हेलो अगेसेंस, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर प्रिंस, और आज के लेसन में हम जानेंगे व्हाट इज चल स्वर एंड व्हाट इज अचल स्वर। व्हाट इज चल स्वर एंड व्हाट इज अचल स्वर। तो जैसा आप जानते हैं, हमारे पास म्यूजिक में टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो है 12। 12 कैसे? सात शुद्ध, चार कोमल और एक तीव्र। सा रे गा मा पा धा नी सा, चार कोमल स्वर, रे गा धा नी, एक तीव्र स्वर मा। ठीक है, तो ये हो गए 7 4 11 1 12। अब आप एक चीज नोट कीजिए, हमारे जो सात स्वर हैं उनके सब पार्ट हैं चार कोमल और एक तीव्र। राइट, चार कोमल और एक तीव्र उनके सब पार्ट हैं। इट मींस जिनके सब पार्ट्स हैं वो कौन से स्वर हुए? जो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, जिन्होंने अपने पोजीशन छोड़ रखी है वो हो गए रे गा धा नी और मा। जो पोजीशन छोड़ के चलते हैं, मूव करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चल स्वर। रे गा धा नी एंड मा, ये कौन से स्वर हैं? चल स्वर। क्यों? क्योंकि अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। और अचल स्वर कौन से हुए? सारे गामा पाधा नी में आप देखिए रे मूव होता है, गा मूव होता है, मा मूव होता है, धा मूव होता है, नी मूव होता है। कौन से दो स्वर मूव नहीं हुए? सा एंड पा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अचल स्वर, क्योंकि ये अपनी पोजीशन छोड़कर कहीं और नहीं जाते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अचल स्वर। तो हमारे म्यूजिक में अचल स्वर कितने हैं? 2। एंड चल स्वर कितने हैं? 5। ओके, तो ये था हमारा चल और अचल स्वर का टॉपिक। तो आशा करता हूं आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। फिर हम मिलेंगे किसी और लेसन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।